1802 में ऐसी ही एक रात को एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल अपने बेटे जॉन के साथ इंग्लैंड के समुद्र किनारे टहल रहे थे। हर्शल ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने कॉस्मोस के आनंद महासागर की गहराइयों में झांक कर देखा था। वहां उन्होंने उस जादू की झलक देखी थी जो लाइट टाइम के साथ करती है। डैड, आप भूतों में यकीन करते हैं? हाँ, जरूर करता हूँ बेटे। आप करते हैं? मुझे लगा आप नहीं करते होंगे। नहीं नहीं, इंसानों वाले भूतों में कभी नहीं, उनमें तो कतई नहीं। मगर ऊपर देखो मेरे बच्चे, आसमान में भूत ही भूत है। वो तो तारे हैं, ठीक से समझाइए। हर तारा उतना ही बड़ा और चमकदार है जितना हमारा सूर्य। जरा सोचो, सूर्य भी इन तारों की तरह ही छोटा और टिमटिमाता दिखे, इसके लिए उसे कितनी दूर ले जाना पड़ेगा। तारों से निकलने वाली रोशनी बहुत तेज चलती है, उससे तेज कुछ भी नहीं, मगर उसकी भी एक हद है। उनकी रोशनी को हम तक आने में वक्त लगता है। जो सबसे नजदीक है उसे भी सालों लगते हैं, दूसरों को सदियां लगती हैं। कुछ तारे तो इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी को पृथ्वी तक आने में कई युग लग जाते हैं। कुछ तारों की रोशनी जब तक यहाँ पहुंचती है तब तक वो खत्म हो चुके होते हैं। हम उन तारों के भूत ही तो देख रहे होते हैं। हमें उनकी रोशनी जरूर दिखती है, मगर उनका शरीर बहुत पहले ही मर चुका होता है। जॉन, मैंने वक्त को इतना पीछे जाकर देखा है जितना कभी किसी ने नहीं देखा होगा, लाखों साल पीछे जाकर। विलियम हर्शल ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये समझा था कि टेलीस्कोप असल में एक टाइम मशीन है। गुजरे वक्त में जाए बगैर हम स्पेस में कुछ देख भी नहीं सकते। रोशनी एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर या 1,86,000 माइल्स का फासला तय करती है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी भी इतनी ही है, यानी चंद्रमा हमसे 1 लाइट सेकेंड दूर है। अगली बार चांद को देखने पर समझ जाइए आप वक्त में 1 सेकेंड पीछे देख रहे हैं।